हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया मेहता फ्रॉम नैरोबी, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, क्लिंजिंग एंड नेगेटिव रिलीजिंग पे फोकस करती हूँ। उन्हीं से कंसर्न में वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज दिस आई हैव डन फॉर माई सेल्फ इन माई लाइफ। आई एम वेरी क्लियर एंड वेरी श्योर शॉट अबाउट द प्रोसेस। कुछ चीज़ें मैंने इससे अपनी ज़िंदगी में अचीव करी हैं और हील करी हैं, इसलिए शायद मैं इन टॉपिक्स पे मोर कॉन्फिडेंट हूँ। सो आज मैं लेके आई हूँ द वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। अगेन स्पेशली यंग जनरेशन मुझसे पूछती हैं हाउ टू फाइंड अ पर्पस, हाउ टू कल्टीवेट आवर ओन सेल्फ पर्पस इन लाइफ। कैसे पता चले मेरी लाइफ का पर्पस क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है एक पर्पस हमारी लाइफ में होना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वो हमें डायरेक्शन देता है ज़िंदगी में, वो हमारी एनर्जी को फोकस करता है एक डायरेक्शन में, वो हमें पॉजिटिव रहने के लिए मजबूर करता है। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमें एक्टिव रखता है, हमें मोटिवेटेड रखता है, हमें रिदम में रखता है लाइफ की, हमें डेली डिसिप्लिन में रखता है। आपको एग्जांपल देती हूँ, जब कोई भी जो भी यंग मदर्स होती हैं जिन्होंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है, आप नोट करना, कम से कम एक साल तक दे आर डेडिकेटेडली कनेक्टेड विद द चाइल्ड। अगर आप नोट करो कि उस समय उनकी लाइफ का वो एक डेढ़ साल वेरी क्लियर फोकस है, एक क्लियर पर्पस है कि मुझे बेबी के ऊपर कॉन्शियस ध्यान देना है, बिकॉज वो बहुत छोटा है। सो खाने पीने से लेके सोने से लेके उसका केयर करने से लेके हर चीज़ का फोकस आपका बेबी हो जाता है। तो आपको कभी भी नोट करना, दो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होते हैं, मैंने भी सुना है, पीपल डू गेट गो इनटू दैट। आप फील करोगे वो एक साल आपका बहुत पर्पसफुल हो जाता है, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शन से हट जाता है। कोई घूमने फिरने के लिए बाहर आपको बुलाएगा तो आप बोलते हो नहीं, उसके सोने का टाइम है, खाने का टाइम, मुझे ये काम करना है, मुझे ये ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें आप खुद से निग्लेक्ट कर देते हो या साइड वे कर देते हो, डिस्ट्रैक्शंस, आपको पता है ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, मुझे फोकस यही ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये दिस इज़ द काइंड ऑफ फोकस, दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी एंड डिटर्मिन एंड डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ जाता है जब आपकी लाइफ में रियल टाइम पर्पस होता है, कुछ अचीव करने का कोई गोल होता है, कोई पर्पस है किसी की सेवा करने का, सोशल वर्क करने का, कम्युनिटी सर्विस करने का, या अपना कोई गोल, मॉनेटरी गोल अचीव करने का, एजुकेशन गोल अचीव करने का, राइट। सो ये होता है पर्पस के मायने हमारी ज़िंदगी में, और इस तरह से पर्पस हमारी हेल्प करता है। कल्टीवेटिंग अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ क्या रिक्वायर करता है, हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। हमें, अगर मुझे पर्पस जानना है तो मुझे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस समझनी पड़ेंगी, मुझे क्या पसंद है और क्यों पसंद है, इन सब के बारे में, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वो करना ही पड़ेगा। सेल्फ एक्सप्लोर करते हुए अपनी वैल्यूज़ के बारे में पता चलेगा और हम उससे मैचिंग अलाइंड एक्शंस लेंगे तो हम अपने पर्पस तक पहुंच पाएंगे। सो लेट मी शेयर दिस 6 पॉइंट्स, कैसे अपने पर्पस को आप कल्टीवेट करो अपनी लाइफ में। नंबर 1, रिफ्लेक्ट ऑन योर पैशंस एंड ऑन योर वैल्यूज़। टाइम निकालो ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सा थॉट या कौन सा ऐसा काम है जो रियली आपको मैटर करता है, इट इज़ रियली क्लोज टू योर हार्ट। हर वो चीज़ अपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करो जो आपको जॉय देती है, आपको सेंस ऑफ कनेक्शन देती है, वो करने का मन करता है, और उस काम में आप एक्चुअली अपना टाइम भूल जाते हो, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो। जानने की कोशिश करो कि मैं उस पैशन, उस पसंद की चीज़ जो मैंने अपनी अभी ढूंढी है अपने अंदर से, उसको लेके मैं अपनी डेली लाइफ में कौन सी अलाइंड एक्टिविटीज़ करूँ कि मैं उस पर्टिकुलर पैशन या पसंद के काम के और क्लोज जाऊं और मुझे क्लैरिटी मिले और मैं उसको समझ पाऊं कि हाउ वर्थ दैट वर्क इज़ फॉर मी। नंबर 2 इज सेटिंग मीनिंगफुल गोल्स। मीनिंगफुल गोल्स का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स अफकोर्स होते हैं, मीनिंगफुल गोल्स मैं थोड़े शॉर्ट टर्म को भी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि आप ऐसा गोल जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो और जो शॉर्ट टर्म हो, आपकी जो पसंद का काम आपने एक्सप्लोर किया है अपने इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करके, उससे कंसर्न एक मीनिंगफुल गोल बनाओ जिसको आप अलाइंड एक्शंस के साथ डेली वन बाय वन एवरी डे स्टेप बाय स्टेप आप उसके क्लोज जाओ और उस तक पहुंचो। ये गोल्स जो आप रियलिस्टिक मीनिंगफुल गोल्स जो अपने बनाएंगे, आप शॉर्ट टर्म बनाओ, आप मंथली वीकली और डेली बेसिस पे बनाओ, लेकिन अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में आपने अपना चिंतन मनन करके निकालने हैं ये गोल्स। वो आपका रिलेशनशिप हो गया, वो आपका करियर हो गया,
वो आपका सोसाइटी में सर्विस हो गई, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो गई। ये ध्यान रखना कि ये जो गोल्स हैं ये आपकी वैल्यूज और आपका जो माइंडसेट है या जो आपकी चाहत है या जिस जो चीज़ें आपको जॉय देती हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी एनर्जी लो हो जाए या हम ट्रैक से हट जाए। नंबर 3, एक्सप्लोर योर स्ट्रेंथ। जब हम सेल्फ वर्क करते हैं और अपने बारे में अपनी ही पसंद नापसंद को ढूंढते हैं, अपनी वैल्यूज चेक करते हैं, उसी दौरान आपको अपनी स्ट्रेंथ पे देखना है, मेरी स्किल्स कौन सी अच्छी हैं, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। अपने पास्ट के सारे पैटर्न इवेंट्स को नोट करोगे, अपने पास्ट की अचीवमेंट्स चेक करोगे, मैं बात करने में अच्छी हूँ, एक्सप्रेस करने में अच्छी हूँ, कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ, राइटिंग में अच्छी हूँ, पेंटिंग में अच्छी हूँ, मैनेजमेंट में अच्छी हूँ। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स निकालनी है ताकि उन स्ट्रेंथ्स पे आप ज़्यादा काम करोगे, ताकि आपकी वो स्ट्रेंथ और एनहांस हो जाए। अपना टैलेंट और अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ पे को हम जब जान लेते हैं और हम उसके ऊपर फर्दर काम करते हैं अपने गोल से रिलेटेड, तो हमें और सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे वो स्किल अच्छे से आती है। सो अब जब मैं उस पे काम करूंगी, उससे कंसर्न आगे काम करूंगी, तो ऑफ कोर्स मेरा काम मोर बेटर, मोर क्लियर और मोर हाई क्वालिटी का होगा, एंड दैट विल गिव मी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड आई विल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगेन एनर्जी वर्क स्टार्ट्स। नंबर 4 इज फाइंड सम मीनिंग इन हेल्पिंग अदर्स। हमें अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ज़रूर रखनी चाहिए जिसमें हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, व्हेन द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच, व्हेन यू आर टीचिंग समथिंग टू समबडी यू लर्न इन अ बेटर वे। जितना हम अपने कम्युनिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना हम अपने कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करेंगे, कम्युनिटी का मतलब ये नहीं कि रिलीजियस कम्युनिटी, आसपास लोग, कम्युनिटी, जनता, सोशल सर्विस, तो पॉजिटिविटी के ना रिपल्स क्रिएट होते हैं। रिपल्स आपको पता है ना, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स क्रिएट होते हैं। पॉजिटिविटी अगर हम देना शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव डबल इफेक्ट होकर हमारे पास आएगी, क्योंकि आप याद रखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। एट द सेम टाइम दूसरों की सेवा करके हमें खुशी मिलती है। नंबर 5, एम्ब्रेस कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ। अपने लाइफ के पर्पस तक पहुँचते पहुँचते आपको कोशिश करते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने स्किल्स में अपग्रेड करो, वे ऑफ टॉकिंग में अपग्रेड करो, कोई नया कोचिंग मेंटर आपको हायर करना है उन्हें हायर करो। आप अपने आप को बेटर करने और इम्प्रूव करने और ग्रोथ करने में बिजी रहो, कोशिश करते रहो। डोंट थिंक कि जो मुझे आता है पूरा आता है, आई नो एवरीथिंग। नो, यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग एंड मेकिंग योर सेल्फ मोर बेटर एंड बेटर। एफर्ट्स हमेशा करते रहना चाहिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ आगे बढ़ने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी, बिकॉज ग्रैटिट्यूड हमेशा आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को मल्टी फोल्ड बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड मीन्स बींग ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। भगवान जी भी बोलेंगे, यार तेको इतना कुछ देता हूँ तो कभी खुशी नहीं होते हो तुम लोग, थैंक्स ही नहीं बोलते, तुम लोग को देना बंद कर देता हूँ। इसलिए लाइफ की हर छोटी चीज़ जो आपके पास है, एक पेंसिल, एक इरेजर, घर में लाइट, पंखा, सीट, टेबल, कुर्सी, बेड, हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको कंफर्ट देने में, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स देने में कंट्रीब्यूट करती है। नेवर फॉरगेट दोज स्मॉलर थिंग्स इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल फॉर देम। द मोर यू आर ग्रेटफुल द बेटर योर लाइफ विल बी, दिस आई कैन अश्योर यू फॉर श्योर। ओके, सो एनीवेज, होप दीज 6 पॉइंट्स विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। जैसे हम डाइट में कहते हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए हम बोलते हैं इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज, दिस इज अ माइंड लाइफ स्टाइल चेंज, एंड वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, वी हैव टू कीप गोइंग, वी हैव टू कीप इम्प्रूविंग, एंड वी हैव टू कीप वर्किंग टूवर्ड्स आवर पर्पस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन योर क्वायरीज रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट डाउट्स। आई विल डेफिनेटली टच देम ऑल एंड शेयर माई व्यू पॉइंट्स ऑन दोज टॉपिक्स। Thank you so much for listening to me. I love you all. Have a great day.